पूनम्स किचन में बन रही है व्रत की स्पेशल पिन्नी, बिना घी के, बिना किसी आटे के, बिना किसी ग्रेन के। चलिए बनाते हैं ये सुपर हेल्दी पिन्नी। एक पैन को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है, अब हीट को कर दूंगी मैं लो पर और इसमें डालूंगी 1/3 कप कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा 1/3 कप। अब इसे हमने बराबर चलाते हुए भून लेना है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा घड़ी देखकर। हल्का सा इस पर कलर आता है, क्रीमिश सा कलर हो जाएगा और उतने में ही हमारा नारियल भुन जाएगा। लो हीट पर भूनना है इसे। अब देखिए ये भुन गया है, गैस को करती हूँ बंद और इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक प्लेट पर। इस रेसिपी में नारियल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 कप नारियल भी ले सकते हैं। इस भुने हुए नारियल को अभी रखती हूँ साइड पर ठंडा करने के लिए। अब उसी पैन को दोबारा से गैस पर चढ़ा रही हूँ, पैन को हल्का सा साफ़ कर लूँगी और हीट को अप कर रही हूँ मैं लो और मीडियम के बीच में। पैन ऑलरेडी काफ़ी गर्म ही है, बस इसमें साथ के साथ ही मैं डाल दूँगी 1 कप कच्ची मूँगफली। अब मूँगफली को भी भूनना है, हीट को रखेंगे लो और मीडियम के बीच में और बराबर चलाते हुए भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि मूँगफली पर बढ़िया सा कलर ना आ जाए। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट लगते हैं मूँगफली को भूनने में और अब देखिए कई दानों पर आपको इस पर कलर दिखाई दे रहा है। बस इस तरह का हो तो गैस बंद कर दीजिएगा। मूँगफली जब भुन जाती है ना तो बहुत सारे दानों पर से तो छिलके भी उसके उतर जाते हैं। भुनी मूँगफली को ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट पर ताकि ये फटाफट से ठंडी हो जाए। ध्यान दीजिएगा मैंने इसे नारियल के साथ मिक्स नहीं किया है। अब इस पैन को भी साफ़ कर लेती हूँ, गैस को दोबारा से ऑन करती हूँ लो हीट पर और इसमें डालूँगी 1/2 कप बादाम। बादाम की जगह काजू भी लिया जा सकता है, मगज़ भी लिए जा सकते हैं। और देखिए मैंने तो होल बादाम लिया है, आप चाहें तो अगर घर में टुकड़ा बादाम पड़ा है तो वह डाल लें, या टुकड़ा काजू पड़ा है वह भी डाला जा सकता है। साबुत बादाम को भुना जाए तो कभी यह चटकने लगता है और उछलकर अपने ऊपर ही आता है, तो मैंने पैन के ऊपर जाली रख दी है। बीच बीच में जाली को हटाकर इसे चलाती रहूँगी। अब 2 से 3 मिनट लगेंगे और बादाम भी भुन जाएगा। बादाम भी भुन गए हैं, आप देख सकते हैं इसके सरफेस पे हल्का सा कलर आ गया है। अब इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे मूँगफली के साथ। अगर आप ध्यान दें तो मैंने मूँगफली के छिलके अलग नहीं किए हैं, छिलकों में भी बहुत न्यूट्रिएंट होता है, तो अगर किसी रेसिपी में उन्हें यूज़ किया जा सकता हो तो ज़रूर कीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब बादाम हम रोस्ट करते हैं ना तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब इन्हें भूने तो इनके अंदर का कलर डार्क नहीं होना चाहिए। अगर अंदर भी ज़्यादा डार्क हो गया तो इसका मतलब बादाम जल गया है। अंदर से ये लाइट रहेगा, क्रंची रहेगा, आराम से देखिए टूट रहा है। ये दोनों ही चीज़ें अब ठंडी भी हो गई हैं तो इन्हें पीसा जा सकता है और अब पीसना एक खास तरीके से है। इन्हें मैं ट्रांसफ़र करती हूँ अपने ब्लेंडर में। शुरू में मैं इसे पीसूंगी पल्स फीचर पर, 1-2 सेकंड के लिए चलाया फिर रोक दिया, 1-2 सेकंड के लिए फिर से चलाया फिर रोक दिया, ऐसा 5 से 6 बार करके फिर इसे थोड़ा थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलाएंगे, 5-7 सेकंड के लिए, फिर स्पैचुला से मिक्स कर दिया फिर 5-7 सेकंड के लिए, तो ऐसा 5-6 बार दोबारा से करेंगे तो फिर देखिए अब ये टेक्सचर आ गया है आटे की तरह। हम जब पिन्नी बनाते हैं तो उसके लिए गेहूं के आटे को हम अच्छे से भूनते हैं, घी में भुना जाता है उसे। लेकिन आज ये जो पिन्नी बन रही है ये इस आटे की बन रही है, ये है मूंगफली और बादाम का आटा। व्रत के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि हम इसमें किसी ग्रेन का आटा नहीं डाल रहे, कोई गेहूँ का या दाल का आटा नहीं डल रहा। अब इसमें साथ में मिक्स कर देंगे भुना हुआ नारियल का बुरादा। अब इसमें साथ में ही मीठा भी मिक्स कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम गुड़ की शक्कर, हल्का मीठा रहेगा इससे, अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा लें। और शक्कर नहीं डालना चाहते आप, चीनी डालना चाहते हैं बेशक चीनी डालें, सफ़ेद चीनी डालें, ब्राउन शुगर डालें, पाउडर शुगर डालें, और मीठे की क्वांटिटी आपकी अपनी पसंद के हिसाब से। इन सब चीज़ों को भी अब इकट्ठे ही ब्लेंड कर लूँगी, लो पर ही ब्लेंड करेंगे, एक बार में 5-7 सेकंड से ज़्यादा मत चलाइएगा। बस 2 बार ही चलाया है और बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे किस तरह से ब्लेंड करते हैं, ना बहुत तेज़ स्पीड पर ब्लेंड करना है और ना ही बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लेंड करना है। अगर ऐसे किया तो फिर मूंगफली और बादाम का तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही से ब्लेंड किया हो तो देखिए वही तेल अब हमें हेल्प कर रहा है इसे बाइंड करने के लिए। इकट्ठा कर रही हूँ इसे अपनी हथेली में तो किस तरह से ये लड्डू की शेप ले रहा है, बढ़िया से बाइंड हो रहा है और सॉफ्ट भी है। आप इसी टाइम पर मीठे के लिए भी चेक कर लें, ज़रूरत हो तो मीठा एडजस्ट कर लें। अब मैंने इस मिक्स को निकाल लिया है प्लेट पर, दोनों ही हथेलियों पर लगा रही हूँ थोड़ा सा घी और फिर इस मिक्स का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच पोर्शन
और फिर इसको शेप दे लूंगी। अब चाहे तो इसे लड्डू की तरह भी बना लें, चाहे ट्रेडिशनल पिन्नी की तरह शेप दे लें। ये छोटे छोटे से पोर्शंस हैं तो मैं इसे पेड़े की तरह बना रही हूँ, ऐसे हथेलियों के बीच में दबाकर। मैंने ट्रेडिशनल पिन्नी की तरह बादाम का आधा आधा टुकड़ा भी इसके ऊपर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हुई व्रत के लिए बिना आटे की, बिना किसी दाल की, बिना ग्रेन की पिन्नी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, सुपर्ब रेसिपी, प्रोटीन से भरी हुई, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।